हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन। सो आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग सेकंड वीडियो आ चुके हैं डे का। पहला वीडियो हमने देखा है सर्वर मिशन जो इवेंट है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं ये वाला इवेंट में कैसे आपको पार्टिसिपेट लेना है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं जो TDM का टूर्नामेंट रैंक्ड एरिना, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। ऑलरेडी मैं बहुत पहले एक महीना पहले की वीडियो बनाया था रैंक्ड एरिना के ऊपर, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन किया था, बट अभी एक महीना हो चुका तो बहुत लोग न्यू ज्वाइन किया तो चलिए फिर से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा ये टूर्नामेंट कैसे काम करेगा और क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप मैप में क्लिक करेंगे, इधर आप देख पा रहे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रैंक्ड एरिना। तो ये जो ऑप्शन दिख पा रही है हमेशा नहीं रहेगा, ये पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए आया है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो रिवॉर्ड में, जैसे कि आप देख पा रहे ये इवेंट है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आया, 21 से लेकर 5 मई तक चलने वाला, तो कुछ दिन के लिए होगा, 15 दिन या 16 दिन का ये इवेंट है। और इसमें जैसे जैसे आप TDM खेलेंगे तो ऐसे ऐसे रैंक अप होगा। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी मैप सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब मैप सिलेक्टेड है और रैंडम बेसिस में पबजी मोबाइल आपको मैप देगा, क्योंकि पबजी चाहता है कि अगर आप TDM में मास्टर होना चाहते हो तो आपको तीनों मैप का कॉन्सेप्ट जानना होगा। जैसे बहुत लोगों को वेयर हाउस ही केवल पसंद आता है TDM में, दूसरा मैप छूते ही नहीं है, तो वैसे नहीं चलेगा। पबजी मोबाइल आपको ऑटोमेटिकली कुछ दे देगा, जैसे टीम डेट मैच का आपको वेयर हाउस भी दे सकता है, एसॉल्ट रूइंस भी दे सकता है और डोमिनेशन भी दे सकता है, तीनों में से आपको कुछ भी एक रैंडम सा मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप इसमें खेलेंगे जीतेंगे तो आपका रैंक अप होने लगेगा। रैंक अप करेंगे तो जैसे हम लोग क्लासिक मोड में भी रैंकिंग सिस्टम है, वैसे आपको इसमें भी रैंकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसका जो मैक्स रैंक अप है वो है AS एरिना, जैसे कि आप देख पा रहे AS एरिना नहीं AS रैंक, जैसे कि आप देख पा रहे जो मैक्स इसमें रैंक है इसमें कॉन्करेंट नहीं है, ये AS है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, तो इसलिए कॉन्करेंट देख के फायदा नहीं, AS तक पहुँचते ही बहुत लोग का हालत खराब हो जाए, जैसे कि आप देख पा रहे AS लीग आपको दिखाई दे रहा है। और इधर आप देख पा रहे राइट साइड में कुछ रिवॉर्ड है, तो जैसे आप इसमें गोल्ड लीग में पहुँचेंगे तो सबका जो स्टार्टिंग है वो ब्रॉन्ज से स्टार्ट होगा, बट जैसे आप गोल्ड लीग पहुँचेंगे तो आपको क्लासिक कूपन मिलेगा, ये सबको मिलेगा। और सेकंड में आप देख पा रहे डायमंड लीग अगर पहुँचते तो आपको एक मार्क्स मिलेगा, बट जो लास्ट वाला जो रिवॉर्ड आप देख पा रहे सीजन रिवॉर्ड, ये बस लिमिटेड यूज़र के लिए है, केवल 1000 प्लेयर के लिए है, जो कि मतलब ये जो इवेंट होगा जब खत्म होगा तो टॉप 1000 प्लेयर को ही ये रैंक जो टाइटल देख रहे हैं परमानेंट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला, जैसे कि आप देख पा रहे टॉप 1000। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1000 जो रैंक है ये केवल आपको ऐसा नहीं कि पूरे पबजी मोबाइल सर्वर को मिला के 1000 रैंक है, ऐसा नहीं। एशिया का 1000 रैंक है, यूरोप का अलग 1000 है, साउथ अमेरिका का अलग 1000 होगा, नॉर्थ अमेरिका अलग होगा, कोरिया जापान का अलग होगा, तो सब सर्वर का अलग अलग 1000 है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 1000 पूरा सर्वर मिला के, वैसे नहीं है, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो 5 या 6 सर्वर है, सबका अलग अलग 1000 होगा, तो जो सर्वर में आप खेलना चाहते खेले, जिसमें आपको अच्छा पिंग आता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये जो टाइटल है सीजन का एंड में मिलेगा, और आपको अपना रैंक देखना है तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। और इधर आप देख पा रहे रैंक एरिना सिलेक्टेड है और अभी से लोग खेलना स्टार्ट भी कर दिए। तो इधर आप देख पा रहे मेरा 2.94 सुबह 1200 है, और देख पा रहे एक बंदा ने 2700 भी कर लिया, तो लोग खेलेंगे, क्योंकि TDM बहुत लोग को पसंद है और डेफिनेटली इसको मिस नहीं करेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी सोच रहा हूँ और एक वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जल्दी जल्दी रैंक अप कर सकते हैं और ये इवेंट में कैसे आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो जल्दी से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल मैं ये वीडियो का समअप कर देता हूँ। ये जो इवेंट है ये 16 दिन के चलने वाला है, 21 से लेके आपका 5 मई तक चलने वाला है, उसके बाद आप देख पा रहे इसमें कोई भी आप मैप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये रैंडम बेसिस में मैप सिलेक्टेड होगा। और उसके बाद आप देख पा रहे रैंकिंग आप करेंगे तो आपको अलग अलग रिवॉर्ड, जैसे गोल्ड लीग में आपको क्लासिक कूपन मिलेगा, आपको डायमंड लीग में ये वाला जो मार्क्स है वो मिलेगा, और टॉप 1000 आएंगे अपने सर्वर में तो आपको ये टाइटल मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें लोड आउट ले सकते हैं, जो हम लोग का एरिना में ये होता है ना कि एरिना ट्रेनिंग में कोई भी गन उठा सकते बेंच में, वैसे नहीं होगा, इसमें केवल आपका लोड आउट चलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका बेस्ट गन है वही इसमें ले जाइए, क्योंकि इसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक मैच जैसे आप खेलेंगे तो सब कुछ कैलकुलेट होगा, और जैसे जैसे मैच कंप्लीट करेंगे तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपका रैंक नीचे रहेगा और आप अच्छा खासा ऊपर नहीं जा सकते। तो जो भी आज आपका बेस्ट गन है जिसमें अटैचमेंट सब कुछ खुल चुका है, जो आपका बेस्ट अटैचमेंट है, तो वही गन लेकर खेलिए और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को इतना ही रखता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली हम सब दे सकते हैं, चैनल पर नहीं अगर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक करें, उससे ये होगा मैं जब भी डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नेक्स्ट डे। बाय बाय।